सिंध बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, पीपल्स पार्टी ने कराची डिवीजन में मैदान मार लिया। 235 यूनियन कमेटीज में से 93 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी 86 यूसीज में कामयाबी के बाद दूसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ को कराची डिवीजन में 40 यूसीज पर कामयाबी मिली है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने बलदियाती इलेक्शन में धांधली से मुतालिक इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से शिकायत की गई जिनको दूर किया गया, शिकायत दर्ज करवाई, हम तहकीकात करेंगे। कराची की तारीख में पहली बार पुरअमन पोलिंग हुई है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, जमात इस्लामी और पीटीआई का मौकफ भी वही था जो एमक्यूएम का था। जमात इस्लामी और पीटीआई को अंदाजा हो गया कि हल्का बंदियों की वजह से धांधली हो चुकी। एक बड़ी जमात की समझती है कि 73 सीटें इनसे छीन ली गईं, खसारे के साथ कैसे इंतखाबात में जाते। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। रावलपिंडी में वाके लाल हवेली पर तैनात अहलकारों को वापस बुला लिया गया। पुलिस एहलकार 24 घंटे लाल हवेली की सिक्योरिटी ड्यूटी पर शिफ्ट व तैनात रहते थे। रावलपिंडी में आटे का गैरकानूनी धंधा बेनकाब। सादिकाबाद में सरकारी आटे को जखीरा करके मार्केट में महंगे दामों बेचने वाला गोदाम पकड़ा गया। 15 केनाल पर मुश्तमिल गोदाम में 13 फ्लोर मिल्स के 20,000 खाली बैग्स कब्जे में ले लिए गए। गोदाम से सरकारी आटा के 1356 बैग पकड़े गए। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, पाकपतन में हटकेम्हारी रोड के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। मुखालिफ सम्त से आने वाले दो मोटरसाइकिल टकरा गए, दोनों मोटरसाइकिल सवार मौका पर जान बहक हो गए। पाकिस्तान प्रीमियर क्रिकेट टीम का आज ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच कल एलन बॉर्डर फील्ड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।